अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबा व तालबात। आज का जो हमारा है ये मैकेनिकल का एक सब्जेक्ट है, इस पर गियर फार्मूलाज। इस पर गियर जो होते हैं वो सीधे दांत होते हैं, सीधे दांत। तो अब हम इसकी कुछ कैलकुलेशंस करेंगे टू फाइंड मॉड्यूल ये मॉड्यूल किसके बराबर होता है, आउट साइड डाया डिवाइडेड बाई टीथ प्लस टू। और मॉड्यूल किसके बराबर होता है, पिच डिवाइडेड बाई पाई। और मॉड्यूल किसके बराबर होता है, यानी ये चीज़ें आप कर सकते हैं तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाएंगी। ये कैलकुलेशन है, पिच डाया डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टीथ। ये देखिए मॉड्यूल अगर हमें मालूम करना है, गेयर का आउटसाइड डाया पता है और टीथ पता है, तो हम मॉड्यूल कटर निकाल सकते हैं कि कितने मॉड्यूल से गेयर कटा हुआ है। तो आप देखें, अब मैं इसको रिमूव करूंगा। इसके बाद हमारा होगा पिच डाया। ये देखें पिच डाया हमें मालूम करना है, तो हमें क्या क्या चीज़ें हमें होती हैं जिनकी वजह से हम पिच डाया मालूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ टीथ मल्टीप्लाई मॉड्यूल। आउट साइड डाया माइनस दो जरफ मॉड्यूल। नंबर ऑफ टीथ जरब आउटर डाया डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टीथ प्लस टू। तो पिच डाया मालूम करने के बेसिकली ये तीन फार्मूलाज हैं, इनको ज़रा देख लें। अब मैं इसके बाद इसको रिमूव करूँगा, तो अब हमारा आएगा आउटसाइड डाया। देखें गेयर का आउटसाइड डाया बराबर होता है मॉड्यूल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टीथ प्लस टू। और आउटसाइड डाया बराबर होता है पिच डाया प्लस टू ए डिन डम। और आउटसाइड डाया बराबर होता है पिच डाया प्लस टू मॉड्यूल। ये देखिए आउटसाइड डाया मालूम करने के ये फार्मूले है गियर का, इसको नोट कर ले। अब मैं इसको रिमूव करूंगा, तो अब मैं आऊंगा नंबर ऑफ टीथ की तरफ कि टीथ किस तरह मालूम किए जाते हैं, क्या क्या चीज हमें पता हो तो टीथ मालूम किए जा सकते हैं। ये देखें अगर आपको नंबर ऑफ टीथ मालूम करने और अगर आप कुछ आपको ये आपके पास डेटा मौजूद हो आउट
साइड डाया डिवाइडेड बाय मॉड्यूल माइनस टू। तो ये फार्मूला है। तो ये अब फार्मूला जो है, अब मैं मज़ीद आपको वर्किंग डेप्थ का फार्मूला बताता हूँ। जो कुछ बड़े फार्मूले थे वो हमने ऐसे लिख दिए। तो चले आते हैं वर्किंग डेप्थ बराबर है मॉड्यूल मल्टीप्लाई 2.166 मॉड्यूल मल्टीप्लाई 13/6। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास एडेंडम। आपने अभी पीछे जो मैंने लिखवाया उसमें देखा होगा एडेंडम। ये बराबर होता है मॉड्यूल मल्टीप्लाई 6/6 डेडेंडम। ये गेयर के हिस्सों के नाम है। ये देख रहे हैं, ये हमारी जो इस पर हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम एडेंडम। ये बराबर होता है मॉड्यूल मल्टीप्लाई 1.166। अच्छा, अब आ गई इसकी सर्कुलर पिच बराबर है मॉड्यूल मल्टीप्लाई पाई। पाई की वैल्यू आपको पता 3.14 है। और इसके अलावा ये मैं यहां से मिटा रहा हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। सर्कुलर पिच बराबर है पिच डाया जरा पाई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टीथ। तो देखे, ये जो है ये मैकेनिकल का सब्जेक्ट है। मैकेनिकल का डीएई का सब्जेक्ट है ये। तो इसके अंदर जो मिलिंग मशीन पे जो सीधे दांत वाली गरारियां काटी जाती हैं उनके जो भी साइजेस है मिलीमीटर में जो हम मालूम करते हैं वो ये मैंने आपको उनके तमाम फार्मूले कोई नहीं छुपाया, सब मैंने आपको मैंने बता दिया है। वक्त के साथ साथ हम इसकी कुछ कैलकुलेशनें हल करेंगे और आप ख़ासतौर पे जो डिप्लोमा मैकेनिकल में कर रहे हैं उनको ये हिफ्ज होने चाहिए। और इस पे आप लोग वीडियो को देखें भी, सब्सक्राइब भी करें और इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये लेक्चर होते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद देते हैं। इसके साथ ही शाहिन निसार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।